हेलो गाइज, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टोकन के बारे में जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। हम आज आपको फुल इसका प्राइस प्रिडिक्शन करके बताने वाले हैं कि यहां पे आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फाइनली उस क्वाइन का हम आपको नाम बता देते हैं, एलियन इनो नाम है उस क्वाइन का, और फिलहाल मात्र 4 से 5 महीने के अंदर में ये 3 जीरो को किल करके भी दिखाया है। आने वाले समय में कितना जीरो किल कर सकता है, प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, यहां पे पैसे को निवेश करें कि नहीं, तमाम चीजें हम बात करने वाले हैं। किस एक्सचेंज पे मिलेगा, ये लॉन्च कब हुआ था। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूं। गाइज, सबसे पहले अगर ये मार्केट की बात कर ली जाए तो पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 1.14 ट्रिलियन का हो चुका है, यानी कि लगभग 0.02 ट्रिलियन यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो $27,343 पे चला गया है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये 27,450 के लेवल को टच करके आया हुआ है। इथेरियम की बात कर ली जाए तो $1,823 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो गाइज, मार्केट में थोड़ी सी बुलिश सिचुएशन देखने को मिली है, और इसका रीजन है कि मार्केट में 2-3 न्यूज जो है वो पॉजिटिव आए हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग, इसी को लेकर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी सी पंपिंग देखने को मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं हम एलियन इनो टोकन की तरफ कि आने वाले समय में ये प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मीम क्वाइन अभी दौड़ में बने हुए हैं। पिछले दिनों की अगर ये बात कर ली जाए तो पिप क्वाइन एक बहुत जबरदस्त लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, और वापस से ये क्वाइन जो है लगातार डंप कर रहा है। तो क्या हमें एलियन इनो में निवेश करना चाहिए कि नहीं, उसी के रिगार्डिंग हम यहां पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल आपको बता दें, क्योंकि बेसिक डिटेल जानना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वाइन मार्केट में नया आती है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो करंट प्राइस की बात कर ली जाए तो इंडियन रुपीज में आप देख सकते हैं कि यहां पे 10 टाइम 0 लगा हुआ है। डॉलर की बात कर ली जाए तो 12 टाइम 0 लगे हुए हैं, और इंडियन रुपीज में 10 टाइम 0, और 1.5 की सीरीज चल रही है, और पिछले 24 घंटे में लगभग 2% की पंपिंग दिखा रही है एलियन इनो टोकन। मार्केट कैप की बात कर ली जाए तो क्वाइन मार्केट कैप पे और क्वाइन गीको पे इसका मार्केट कैप शो नहीं है, यानी कि ये जो मार्केट कैप है इसका वेरीफाइड नहीं है अभी। 24 घंटे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो 18,58,747 रुपए का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कोई खास बड़ा नहीं है। टोटल सप्लाई की बात कर ली जाए, क्योंकि सप्लाई बहुत जरूरी होती है, किस तरीका का मार्केट में परफॉर्मेंस करेगा आगे चल के ये सप्लाई पे ही निर्भर करता है। तो सप्लाई की बात कर ली जाए तो 51,000 क्वाड्रिलियन। गाइस, यहाँ पे 420 क्वाड्रिलियन बेबी डोज लेकर आया हुआ है, और इतने टोकन मार्केट में बर्न नहीं हो पा रहे हैं, और एलियन इनो 51,000 क्वाड्रिलियन टोकन लाया हुआ है। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वाइन हमको करोड़पति बना सकता है, आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है बहुत 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 ज़्यादा है। ऑल टाइम हाई की अगर ये बात कर ली जाए तो इसी साल लगभग हो गया आपको 8-9 महीना, और यहाँ पे 10 टाइम 0, 4 जीरो की सीरीज में थी इसका ऑल टाइम हाई, और ये टोकन लगभग 99% अभी डाउन है ऑल टाइम हाई से। आप देख सकते हैं कि 10 टाइम 0 इसके करंट प्राइस में भी लगे हुए हैं, लेकिन सीरीज जो है 1.5 का चल रहा है। ऑल टाइम लो की बात कर ली जाए तो 7 महीना पहले इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था, और लगभग आप देख सकते हैं कि 13 जीरो इसके ऑल टाइम लो में थे, और 7-8 की सीरीज चल रही थी। यानी कि ये टोकन ऑल टाइम लो से और ऑल टाइम हाई के बीच, यानी कि अभी करंट प्राइस की अगर जब बात कर ली जाए तो यहां पे ये 3 जीरो को किल कर दिया है। यानी कि जो लोग शुरुआत समय में यहां पे इन्वेस्टमेंट किए थे और फाइनली ये कोई एक्सचेंज पे नहीं आया था, ये क्यों एक्सचेंज पे अभी आपको मिलेगा आगे की वीडियो में हम बताएंगे, तो वहां पे जो लोग निवेश किए होंगे 3 जीरो किल किया था, लेकिन उसके बाद से 99% की डाउनफॉल इस क्वाइन में देखी जा रही है। कम्युनिटी की बात कर ली जाए, क्योंकि कम्युनिटी भी बहुत जरूरी है आज के इस युग में, तो कम्युनिटी देखी जाए तो इसका 0 फॉलोअर है ट्विटर पे, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, और किसी प्रकार का यहां पे मैसेज भी नहीं है। ये एलियन इनो का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहां पे 0 फॉलोअर हैं इसके। मेरे अकॉर्डिंग, मैं जितना रिसर्च किया
रहा हूँ, मेरे अनुसार इसके 0 फॉलोअर हैं। आप जानते हैं कि इसके ज़्यादा फॉलोअर हैं तो स्क्रीनशॉट हमें आप ट्विटर पे सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसकी बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया, और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के टोकन का प्रमोशन नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट के अनुसार हम टोकन के बारे में रिसर्च करके और आपको डिटेल प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा कि हम किसी भी प्रकार के टोकन का प्रमोशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ कि एलियन इनू क्या है, लॉन्च कब हुआ था। तो एलियन इनू आप देख सकते हैं, एलियन नाम से ही आप समझ गए होंगे, एक टोकन है एलियन शिबा इनू, वो अलग टोकन है और ये सिर्फ है एलियन इनू। एलियन इनू लॉन्च कब हुआ था, तो नवंबर 21 को 2021 में लॉन्च हुआ था, यानी 21 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। और एलियन के टाइप का दिखने वाला इसका फेस है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो एलियन इनू की लॉन्च और एलियन इनू जान गए कि क्या चीजें हैं। अब बात करते हैं हम कि व्हाट एलियन इनू पंप इन बुलरन, क्या बुलरन में एलियन इनू पंप कर सकता है। तो गाइज ऐसे हजारों टोकन क्वाइन मार्केट कैप और क्वाइन गीको पे पड़े हुए हैं, जो कि लोगों को स्कैम करके अपना मोटी रकम बना के और निकल जाते हैं। गाइज फाइनली पहले से ही मार्केट में 2-3 टोकन ऐसे हैं जिसपे आप बिलीव बनाए हुए हैं, बेबी डॉज, डॉगलन मार्स और फ्लॉकी इनू, ऐसे टोकन है जो कि बहुत बड़ी सप्लाई लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे कैविनिटी भी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें ऐसे टोकन पे बिलीव करना चाहिए, न कि एलियन इनू, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 51,000 क्वाडिलियन टोकन है इसके सप्लाई में और ट्विटर पे इसका किसी प्रकार का कोई बर्निंग प्रपोजल भी नहीं आया हुआ है। तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलरन में हमको प्रॉफिट देगा। तो गाइस बुलरन में यहाँ पे हो सकता है कि आपको 15 की जो सीरीज है वो आपको 20-25 की सीरीज में चल जाए, 30 की सीरीज में चल जाए, 40 की सीरीज में चल जाए, या अपना ऑल टाइम हाई जो है वो टच कर जाए। लेकिन यहाँ पे 1-0, 2-0, 3-0 किल करना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रही है कि 2-3-0 ये किल कर दे बुलरन में। वहीं पर जो अगला टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, यस या नो, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नो रखिए, क्योंकि ऐसे टोकन मार्केट में पैसा बनाकर और लोगों को स्कैम करके और निकल जाते हैं। तो इन क्वाइनों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा गैस, मेरे अनुसार। वहीं पे अगला टॉपिक है कि किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो अभी ये किसी प्रकार के एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। जब ये 3-0 को किल किया था और जब लोगों को शुरू में प्रॉफिट दिया था तो ये पैनकेक स्वैप पे था। पैनकेक स्वैप पे जो इसको बाई किए थे यकीनन वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बटोरे थे यहाँ पे। तो पैनकेक स्वैप के अकॉर्डिंग आपको हॉट बीट पे मिल जाएगा, ये हॉट बीट पे लिस्ट है, हॉट बीट पे आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टोकन में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत हेवी लॉस होने के चांसेस जो हैं वो 99% हैं। तो गाइज निवेश से पहले खुद की रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में बहुत सारे टोकन हैं गाइज जिसकी कम्युनिटी, जिसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वैसे टोकन पे आप बिलीव कीजिए, ऐसे टोकन पे आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। और मोटी रकम को आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ऐसे मीम टोकन में कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आपका फंड बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आगे आप कौन से क्वाइन पे प्राइस प्रिडिक्शन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम रिसर्च करके पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वाइन की नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।